तो गाइस यार आपको याद होगा पिछले एपिसोड में शिनचैन को मिल चुकी है ऐसी पावर्स, वो किसी भी चीज को छूता है तो वो फ्री हो जाती है, वो भी हमारे लिए, मतलब हम उस चीज को खरीद सकते हैं फ्री में। तो हमने तो यार बहुत सारी चीजें खरीदी, तो हमने सोचा यार क्यों नहीं यार लोगों की मदद करी जाए। तो मेरे यार बहुत सारे दोस्त थे, तो मैंने उनके पूछा किस किस की मदद करूं, तो उन्होंने बोला कि यार जो वर्कर्स होते हैं उनकी मदद कर दो। तो मैं इन सारे के सारे वर्कर्स के लिए लेके आ चुका हूं बहुत ही तगड़ी तगड़ी गाड़ियां। ये सारे के सारे वर्कर्स के लिए बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और जितनी गाड़ियां मुझे मिली सबको शिनचैन ने टच किया, उसको हमने फ्री में लिया और आ गए हम यहाँ पे लेके। यहाँ पे फरारी भी खड़ी है और ये दो बुगाटी भी खड़ी है और बाकी गाड़ियां वहां पे भी खड़ी है। तो यार ये सारी गाड़ियां हम इनको देने वाले बिल्कुल फ्री में, क्योंकि ये हमको भी तो फ्री में मिली है। आपको दिखाता हूँ यार कितना ज्यादा हार्ड काम करते दिखाता हूँ भाई इनको, इसलिए हमने गाड़ियां दी है। ये देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड की फैक्ट्री है, मतलब यहाँ पे पहले गोल्ड को पिघलाया जाता है फिर उसको बनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा हार्ड काम है। सामने देखो भाई कैसे लावा बह रहा है, शिनचैन देख तो कितना खतरनाक है यार। अरे बचाओ, अरे अरे लावा, अरे ये लावा में कैसे गिर गया मैं, मेरे को बचा शिनचैन। एरी फेंकी भी है तो लावा में गिर गए, एरी फेंकी भी है मैं यार आपको बचा नहीं, एरी पर मैं कैसे बचाऊंगा लावा में तुरंत कूदूंगा। एरी फेंकी भी है, एरी एरी कह चला रहा हूं फेंकी भी है, कहां हूं फेंकी भी है, अबे मैं तो आ गया शिनचैन। एरी एरी फेंकी भी अब तो लावा में गिर गई थी ना। अरे वही तो, मैं तो लावा में गिर गया पर मुझे कुछ हुआ ही नहीं। एरी क्या फेंकी भी, ये कैसे हो सकते हैं? पता नहीं भाई क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एरी फेंकी भी गोल्ड फैक्ट्री तो जादू फैक्ट्री है। अबे छोड़ना यार अपन तो यहाँ से निकलते, ये गोल्ड फैक्ट्री बहुत ही खतरनाक है। चलो ठीक है हम निकलते हैं, आपकी गाड़ियाँ ले लेना। तो गाइस यार अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, मुझे लगता है मुझे कोई सपना अपना देखा होगा लावा में गया नहीं। एरी फेंकी मैं भी तो चले थे। अरे हाँ वो भी है, चल छोड़ना यार अपने क्या। और एक सेकंड, अरे मेरी आंखें खराब हो गई क्या? एरी फेंकी भी ये गाड़ी गोल्ड में हो गई है, तेरे को भी दिख रही है? एरी फेंकी भी मेरे को भी दिख रही है। और गाइस यार ये क्या, अभी ये सही में हो गया क्या? एक सेकंड, अभी ये क्या हुआ शिनचैन, अभी मैं जैसे इस गाड़ी में बैठा ये गाड़ी गोल्ड की हो गई। एरी फेंकी भी ये क्या हो गया, मुझे लगता है ये लावा वाली शक्तियाँ मिल गई आपको। है ऐसा भी कुछ होता है क्या? एरी फेंकी मुझे तो भी किसी भी चीज को फ्री करने की शक्तियाँ मिल गई थी, आपको भी लगता है मिल गई? अच्छा रुक जाओ टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर वाले भैया खड़े हैं, और रुको इनसे बात करते हैं। अरे मेरी बात सुनो, मुझे एक हेलीकॉप्टर खरीदना है, तो मुझे देखना है कि ये हेलीकॉप्टर मतलब कैसे चलता है, मैं देख लूंगा टच करके। अरे हाँ देख लो देख लो, शिनचैन फटाफट से इसको टच कर दे ताकि ये अपना हो जाए फ्री में। एरी फेंकी फेंकी मैं कर देता हूँ, रुक जाओ पहले मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ, चल चल फटाफट से टच कर दे। एरी फेंकी मैं टच कर दिया। तो गाइस यार अभी हमारा हेलीकॉप्टर हो चुका है क्या ये? अरे भाई ये भी गोल्ड का हो गया। अरे भाई सही में शिनचैन, एरी फेंकी मैंने बोला था ना आपको। और गाइस यार मुझे बहुत ही खतरनाक शक्तियां मिल चुकी है, मैं किसी भी चीज को टच कर रहा हूँ वो गोल्ड में बन जा रही है। और शिनचैन के पास शक्ति है, वो किसी भी चीज को टच करता है तो वो फ्री हो जाती है और वो हम उसको खरीद सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये तो बहुत ही खतरनाक शक्तियां, दो दो शक्तियां हमें मिल चुकी है, अगर हम इसका ढंग से यूज करें तो हम देर कुछ भी कर सकते हैं शिनचैन। एरी फेंकी भाई चलो कुछ खतरनाक करते हैं। अरे रुक जा कुछ सोच रहे थे गाइस, कुछ फटाफट से कमेंट करके मस्त सा आइडिया बताओ कि शिनचैन उसको टच करके फ्री में हमारे लिए ले ले और मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दूं, फटाफट से मुझे कमेंट में आइडिया बता दो। तो गाइस यार अब यार यहां पे मैंने बहुत सारी ईंटें मतलब यार बहुत सारे पत्थर यहां पे लाके रख दिए और इन सबको मैं टच करने वाला हूं ताकि ये गोल्ड में बन जाए। इसको फटाफट से टच करते, सारी की सारी ईंटों को मैं टच कर लूंगा, फिर देखते क्या ये गोल्ड में बन पाएगी। अरे मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। अरे विकी भाई जल्दी करो ना। अरे हां कर रहा हूं कर रहा हूं। और ये मैंने सभी को टच कर दिया, और ये क्या, ये तो सब गोल्ड में बन गई। अरे गाइस यार हमारा सपना बिल्कुल सच हो गया, मैंने यार कभी सोचा था कि कभी यार मैं पत्थर को टच करूंगा वो क्या गोल्ड बन पाएगा, और ये तो सही में बन गया। और गाइस यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे फेंकी भी तो सही में बहुत खतरनाक है। गाइस यार मुझे आपसे एक सवाल पूछना बहुत ही खतरनाक वाला। अरे गाइस यार आप या नूब हो या प्रो हो या फिर हैकर हो? अबे शिनचैन मतलब ये क्यों पूछ रहे हैं? अरे फेंकी भी क्योंकि यार नूब लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और प्रो लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं और हैकर लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सबका सब कर देते हैं। अच्छा अच्छा मैं समझा। तो गाइस यार आप यार कौन से खतरनाक हो, आप नूब हो प्रो हो या फिर हैकर हो? हैकर यार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तो फटाफट जाके लाइक सब्सक्राइब कर दो, उससे हमें पता चल जाएगा आप नूब हो प्रो या हैकर हो। और मुझे कमेंट करके बता देना आप यार क्या हो। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके गोल्डन बुगाटी में, ये हमने बुगाटी ली, उसको शिनचैन ने टच किया वो फ्री की हो गई, और फिर मैंने उसको टच किया तो वो गोल्ड की हो गई। और यहाँ पे मैंने लिया है बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला घर, जो कि हमने गोल्ड बनाया था ना उसको हमने यार बेचा और इतना तगड़ा सा घर ले लिया है। अरे कैसे ये वाले घर मुझे चाहिए भी नहीं था, फेंकी मैंने फालतू में ले लिया। अभी तो यार क्या हो गया शिनचैन भाई, कितना मस्त यहाँ से व्यू आने वाला, तो चल तो सही। अरे कैसे देख सकते हो कितना बेकार से घर है। और कैसे आप फिर फटाफट से कमेंट करके बता दो घर आपको कैसा लग रहा है। ये शिनचैन तो फालतू में बोले जा रहे बेकार बेकार, इतना ज्यादा तगड़ा तो घर, यहाँ पे देखो पार्टी करने के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल है और आपको
आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। फटाफट से यहाँ से अंदर चलते हैं। अरे इसमें तो लॉक लगा हुआ है। अबे शिनचैन लॉक का पासवर्ड देना। एरिफिक ये मैं नहीं दे रहा, ये घर मुझे अच्छा नहीं लगा। अबे देना यार। एरिफिक ये मैं नहीं दूंगा। अबे पागल लेके दे रहा है। अरे ये लो पासवर्ड, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे वाला घर नहीं चाहिए, मैं एक नया घर ले लूंगा। अबे जा निकल यहाँ से ले रहे। अरे कैसे फेंकी, मुझे ज्यादा ही फालतू में बोल रहे। एक काम करता हूँ, जस्ट साइड में एक और नया घर ले लेता हूँ फेंकी भैया के, जस्ट साइड में नया सा घर लूंगा। अरे यार ये शिनचैन तो पागल है, बोल रहा है जस्ट मेरे साइड में नया घर लेगा। ऐसे कैसे लेगा भाई, पागल वागल लेगा तू कैसे। ये है हमारा घर जहाँ पे हम रहने वाले, देखो भाई कितना ज्यादा तगड़ा है। एक सेकंड, इसका गेट कहाँ पे है? ये थोड़ा सा मतलब गेट ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ बने हुए, थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़े दिनों में सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे घुसते ही हमारा सोफा पड़ा है। वैसे मैं सीधा सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अपना बहुत ही तगड़ा वाला सोफा, टीवी सब कुछ सब पड़ा है, पूरा का पूरा 85 इंच वाला टीवी। अपना बेडरूम इसमें भी 85 इंच वाला टीवी, इसमें मस्त यार गेम खेल सकते हैं और मेरा GTA 5 खेलने वाले, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आपका कौन सा फेवरेट गेम है फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। ये रही हमारी बालकनी, यहाँ पे मस्त चेयर लगी हुई, यहाँ पे फुल मजे कर सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो पूल टेबल और यहाँ पे टेनिस टेबल और पीछे वो एयर हॉकी वाली टेबल जहाँ पे फुल हम खेल सकते हैं। शिनचैन तो चला गया, लगता है मुझे अकेला ही खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्टी करने के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला घर है पार्टी करने के लिए। तो अभी फटाफट से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ मैं। और गाइस ये रहा हमारा ऊपर यार, यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर खड़ा है मस्त। यहाँ पे 4-5 हेलीकॉप्टर हम रख सकते हैं। वैसे तो अभी एक ही हेलीकॉप्टर है जो कि यार गोल्ड का है, जो कि मैंने खुद के अपने हाथों से बनाया। आपको तो पता ही है मेरे अंदर जादुई शक्तियां हैं किसी भी चीज को गोल्ड करने की। और नीचे वाले फ्लोर पे भी बहुत सारे बेडरूम्स और भी बहुत सारी चीजें। तो यार अभी मैं तो चाह रहा हूँ हेलीकॉप्टर में घूमने, थोड़ा सा यार घूम के आते हेलीकॉप्टर में, अपने गोल्डन हेलीकॉप्टर में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो यार अभी मैं आराम से सो रहा था, बट शिनचैन ने बुलाया उसको घर देखने के लिए। देखते इसने कौन सा घर बना दिया मेरे पास में। एक सेकंड, इसे तो बिल्कुल ही पास में टच करके बना दिया भाई। और ये कौन सा घर है, चलो देखते हैं। इस घर का नंबर है 01। साला जलता है, मेरा 1353 है ना, तो इसने 01 ही रखवा दिया डायरेक्ट। और इसे सिक्योरिटी किस बात की रखवाई है भाई, अलग ही सीन चल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अबे इतने सारे कुत्ते, हेलीकॉप्टर यहाँ पे मुझे दिख चुका है घुसते ही अंदर, हेलीकॉप्टर खड़ा है सामने, मेरा घर भी दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, एक तो ये किसी भी चीज को टच करता है तो फ्री हो जाती है, उसके पास बहुत सारी चीजें क्योंकि ये सारी सारी जाके गाड़ियां टच करके आ गया होगा और ये गाड़ी सारी इसने खरीद ली होगी। ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सा बना हुआ है यहाँ पे ऊपर। ये क्या, अबे ये खाली है, मेरे वहाँ पे तो खाली भी नहीं, मस्त हेलीकॉप्टर का स्टैंड लगा हुआ है। अबे बेकार सा घर है इसका, चलो यार अंदर जाके देखते हैं। अरे भाई क्या ही मस्त बना रखा है यार ये। अरे यार मुझे ऐसा घर चाहिए, पर शिनचैन के सामने नहीं बोलूंगा वरना वो मेरे को पागल बोलेगा। तो गाइस ये देख सकते हो, ये रहा बेडरूम, सामने व्यू सही सा है, मतलब अच्छा है, पर शिनचैन के सामने बोलेंगे सही सा है। यहाँ पे बेडरूम बेडरूम है, बाथरूम बाथरूम है। तो चलो चलो ऊपर चल के देखते हैं यार, मतलब यार ये थोड़ा छोटा है पर तो अच्छा भी है। तो गाइस यार आपको इन दोनों में से कौन सा घर अभी मैं पूरा आपको दिखा दूंगा, फिर मुझे बताना आपको कौन सा अच्छा लगा, शिनचैन का घर ज्यादा अच्छा लगा या मेरा घर ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारा शिनचैन भी खड़ा है, ये मस्त सोफा यहाँ पे। अरे मस्त नहीं है शिनचैन, बिल्कुल सब बेकार है। अरे फेंकी बे कोई बात नहीं, मैं इधर रह लूंगा। अरे हाँ तो अकेला रहे यार, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई यार ये क्या ही कर रखा है शिनचैन, मैं क्या बोल रहा था, ये छोटा घर है तो उधर रह ले बड़े वाले में, मैं छोटे वाले में मैं रह लेता हूँ। अरे नहीं नहीं फेंकी बे, अब तो मैं इधर ही रहूंगा। अरे वहाँ पे गार्डन भी है। अरे नहीं फेंकी बे, मुझे ये वाला चाहिए। अबे साले निकल, खा ले इस घर को, इतने छोटे घर में डूब के मर जाइयो, मैं जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसकी गाड़ी यहाँ से लेके चलते हैं, इस गाड़ी को यहाँ से फटाफट से निकाल लेते हैं, इसको फटाफट से पहले गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये गोल्ड की गाड़ी हो चुकी है, चलो यार इसको लेके मैं जा रहा हूँ। अब इतना छोटे से घर में कौन ही रहेगा, मैं तो जा रहा हूँ अपने बड़े से घर में रहने। मेरे पास एक आइडिया शिनचैन को अपने बड़े वाले घर में बुलाने का, इसके सारे के सारे घर में बम लगा लूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी शिनचैन अंदर चुपचाप से बैठा है, इन बॉडी गार्ड को मैंने यार सबको गोल्ड के गिफ्ट दे दिए तो ये कुछ बोलने भी नहीं वाले। चुपचाप से सारे के सारे घर में बम लगा देता हूँ और थोड़ा सा दूर जाकर बूम, और इस सारे का सारा घर उड़ा दिया और शिनचैन रह ले उस वाले घर में। अरे ये क्या हो गया, अरे बॉडीगार्ड किसने किया ये? अरे बॉस हमें नहीं पता। अरे किसी को किसी ने कुछ नहीं पता। तो गाइजर अभी मेरे शिनचैन के घर को उड़ा दिया और शिनचैन अब मेरे पास रहने को आ जाएगा। तो गाइजर आज वो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइजर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर जो फॉलो कर लेना। और गाइजर मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।